अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मुकद्दस सैरिश जी। वीर साथ हम कर रहे हैं आर्म वैक्स, और ये देख लें कुछ ये चीज़ें हैं, ये आप नोट कर लें। ये हर्बल वैक्स है, वैक्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी। कुछ ये वाइप्स होंगे, इसकी ज़रूरत पड़ेगी। और ये पेपर है, अगर ये आपके पास अवेल है घर में तो आप ये यूज़ करें, नहीं तो फिर आप वो स्टिक्स ही मिलती हैं बनी बनाई बाजार से, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं जी। व्यूअर्स, अच्छे से आपने आर्म वॉश कर लेने हैं अपने, यहाँ तक कोई चिकनाहट ना हो, कुछ ना हो। हो सके तो आप ऊपर इसके टेलकम पाउडर लगा लें। वैसे तो वैक्स पाउचला आता है, आप उससे भी वैक्स लगा सकते हैं, वैसे उसी से ही लगानी चाहिए। अभी फ़िलहाल हमारा जो है ना वो नहीं था, तो हम इसी से गुजारा कर रहे हैं। आपने पतली सी एक थिन सी लेयर लगा लेनी है, इस तरह बालों की डायरेक्शन से, जो हेयर की डायरेक्शन है ना, जिस रुख हमारी हेयर की डायरेक्शन है, उस रुख हमने ये वैक्स लगा लेनी है, और बिल्कुल थिन लगानी है। देख रहे हैं आप, इनके हेयर जो है ना काफ़ी ग्रोथिंग में है, और हर्बल वैक्स से ये होता है कि हेयर ग्रोथ काफ़ी हद तक जो है ना कम हो जाती है। ये पेपर आपने लेना है, और पेपर इसके ऊपर आपने इस तरह से चिपका देना है, और इसे अच्छे से स्प्रेड करना है। और एक पेपर ये देखें, थोड़ी सी जगह, अगर मैं यहाँ पर हैंड लगाऊंगी तो मेरे खुद फिंगर पर लगेगी, तो यहाँ पे भी मैं एक ये पेपर छोटा सा रख लूंगी और इसे अच्छे से स्प्रेड करूंगी। और जिस तरफ बालों की डायरेक्शन होगी उस तरफ हमने इसे पेपर को रिमूव करना है। और ये देखें, आर्म को आपने नीचे से भी इस तरह से पकड़ लेना है ताकि ये लूज ना हो और हमारे जो हेयर हैं वो अच्छे से रिमूव हो जाए। ये देखें, बस इसी को फिर आपने इस तरह से स्प्रेड करते जाना है। ये देखें, जी व्यूअर्स, देखें ये मैंने यहां से रिमूव कर दी है। ये आप देख सकते हैं कितनी नीट लग रही है स्किन। अब ये ऊपर वाला पेपर देखें, मैं रिमूव करूंगी। पहले आपने इस तरह हैंड के ऊपर आर्म रखनी है और इसे अच्छे से यूं टाइट से पकड़ लेना है ताकि आपकी स्किन ना रिमूव हो जाए, ये आपने बहुत ध्यान रखना है। अच्छे से टाइट से पकड़कर इसे आपने ये देख लें, जब आप मुतमईन हो जाएं कि हमने स्किन को अच्छी तरह टाइट करके पकड़ लिया है, और फिर आपने पेपर को रिमूव करना है। इस तरह से आपने हल्का सा थपथपाना है और फिर रिमूव करना। वैसे आपने जो बालों की इसकी डायरेक्शन है उसका, बार बार मैं आपसे ये बात कर रही हूँ कि बालों की डायरेक्शन का ख्याल रखना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिस तरफ बालों की डायरेक्शन हो उसी तरफ से हमने इसको पेपर को रिमूव करना। इस साइड वाले पर हेयर पर भी मैंने वैक्स लगा ली है, अब इसको भी मैं रिमूव कर दूं। एक बार आपने अप्लाई करनी है, और ये पेपर के साथ काफी हद तक जो है ना हेयर रिमूविंग हो जाती है। जी व्यूअर्स, देखें अब ये दूसरी साइड पे हम आ गए हैं। अब ये देखें, आपने कोई सी भी चीज़ ले लेनी है आपके घर में, इजीली अवेलेबल हो वो आपने लेके, बिल्कुल थिन सी लेयर लगानी है, मोटी नहीं लगानी। अगर मोटी लेयर होगी ना वैक्स की तो फिर ये हेयर रिमूव नहीं होगी, फिर ये आपको परेशानी होगी। और फिर आपने ये देखे पेपर लगा लेना है, इस तरह पेपर लगा के अच्छी तरह से इसे चिपका लेना है।
बालों की डायरेक्शन देख लेनी है, जिस तरफ हो उस तरफ से फिर आपने पेपर रिमूव करना। जी व्यूअर्स देखें, ये हमने एक नीट कर ली है, ये देख रहे हैं एक आर्म माशाल्लाह से बिल्कुल नीट हो गई है। अब ये दूसरी देख रहे हैं आप, इस पर हेयर ग्रोथिंग कितनी ज़्यादा है। अब इसके ऊपर मैं ये वैक्स लगाऊंगी और फिर इसी को भी उसी तरह से रिमूव करूंगी। ये देखें उस हेयर की, इस आर्म की जो बालों की डायरेक्शन थी वो इस तरफ थी, और इस ये वाले जो आर्म है इसकी डायरेक्शन बालों की हेयर ग्रोथिंग इस तरफ है। तो ये मैं अब इसी डायरेक्शन में मैं ये वैक्स अप्लाई करूंगी जिस डायरेक्शन में बालों की ग्रोथ है। ये देखें, आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आप बिल्कुल छोटे छोटे से पोर्शन ले लें और लाइट लाइट सी थिन सी इसे अप्लाई करें, लेयर लगाएं बिल्कुल थिन थिन सी, और फिर उसे स्प्रेड कर लें जहां तक आपको रिक्वायर हो। इतना छोटा सा पोर्शन ले लें, ज़्यादा अगर आपको प्रॉब्लम होती है छोटे छोटे पोर्शन ले लें। इस पर मैं ये पेपर लगाऊंगी और वही तरीका सिंपली अच्छे से इसको स्प्रेड करेंगे। और टाइट करके आपने ये मेक श्योर कर लेना है कि इनके जो स्किन है वो नहीं आ रही, और फिर आपने इसको पेपर को रिमूव करना है। बिस्मिल्लाह, ये देखें और ये देखें कितनी स्किन नीट लग रही है। ये सिर्फ इनकी हेयर की वजह से ही, इनका कलर देखें डार्क लग रहा है, लेकिन जिस तरह से हम हेयर रिमूव कर रहे हैं तो इनकी स्किन जो है नीचे सॉफ्ट और देखें कलर इनका लाइट है, लेकिन ये हेयर की वजह से आर्म का कलर डार्क लग रहा है। तो ये अगर आपकी भी हेयर ग्रोथिंग है तो आप इसको रिमूव किया करें। जी व्यूअर्स देखें, ये नेक्स्ट पोर्शन पे हम लगा रहे हैं, इसी डायरेक्शन में लगा रहे हैं जिस डायरेक्शन में ये बालों की ग्रोथ है। तो इसी तरह आपने छोटे छोटे पोर्शन करके पूरे इनके आर्म को आपने कर लेना है, जहाँ से भी आपने बाल रिमूव करने हैं छोटे छोटे पोर्शन लेके आपने इसको अच्छी सी थिन सी लेयर लगानी है, और फिर उसको पेपर लगाकर आपने इसे रिमूव करना है अच्छी तरह स्प्रेड करके। और आपने मेक श्योर करना है कि इनकी स्किन ना ऐसा ना हो कि आपने लूज इस तरह स्किन छोड़ी हो और जब पेपर को रिमूव करें तो स्किन ही उतर जाए, कि आपने बहुत एहतियात से और ख्याल से ही काम करना है। इसमें सारी देखें, इसी तरह से इनकी हम फुल आर्म को साफ कर लेंगे और फाइनली ये कम्प्लीट होने वाला है। पेपर आपने लगाया, स्प्रेड किया अच्छी तरह से और इत्मीनान कर लिया कि स्किन आपने टाइट करके पकड़ी हुई है, और इस तरह से आपने ये रिमूव कर दिया। जी व्यूअर्स देखें, हमने वैक्स अपनी कंप्लीट कर ली है, दोनों आर्म हमारे जो है ना देखें माशाल्लाह से कितने नीट और क्लीन लग रहे हैं। हल्का फुल्का ये थ्रेड चलाकर इसे रिमूव कर दूँ, और ये देखें आप माशाल्लाह से घर में ही कर सकते हैं, अगर आप सिस्टर हैं घर में या कोई और है जिसकी हेल्प के साथ आप अपने आर्म को साफ नीट एंड क्लीन कर सकते हैं। पार्लर जाएं, अपना टाइम भी ज़ाया करें और पैसे भी लगाएं, आप घर में वैक्स रखें, और अगर कोई आपकी घर में सिस्टर हैं या कि आप हेल्प ले सकें नॉर्मली आराम से, तो वो फिर आप करके खुद ही घर में अपने आर्म को नीट एंड क्लीन कर सकते हैं। वैक्स हमारी कंप्लीट हो गई है, देख लें माशाल्लाह से कितने नीट एंड क्लीन हैंड लग रहे हैं इनके आर्म लग रहे हैं। तो आप भी ये थोड़ी सी ट्रिक है अपने घर में वैक्स रखें और किसी की भी हेल्प के साथ आप इनको जो है ना हेयर्स रिमूव कर लिया करें। जी व्यूअर्स, इसके साथ ही मुझे दें इजाजत, रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल, जिंदगी रहे और सांसों ने की वफा। तो मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में, अल्लाह हाफिज।